दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल में स्वागत है फिर से पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों 15 तारीख को अभी यहां पर GM साहब का दौरा हुआ था जिससे संबंधित कई अपडेट्स प्राप्त हुए हैं। आपको उन अपडेट्स के बारे से संबंधित समस्त इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चला जाए अंदर और देखा जाए कि क्या क्या अपडेट्स मिले हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं काफी स्पेस है, यहाँ पे टर्मिनल प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं स्पेशली शाहजहांपुर और टनकपुर वाली ट्रेनों के लिए। काफी स्पेस है, दोस्तों देखिए डिस्प्ले बोर्ड ये डिस्प्ले बोर्ड स्टेशन पे कई जगह लगाए गए हैं, ओवरब्रिज पे भी लगाए गए हैं, आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी लगाए गए हैं, यहाँ पे भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए सफर की शुरुआत की जाए। दोस्तों देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आके खड़ा हो चुका हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सिंचाई भी हो रही है पानी डाल के और प्लेटफॉर्म नंबर 4 अभी निर्माणाधीन है और चूंकि पिछले महीने 15 फरवरी को जब GM साहब आए थे यहाँ पीलीभीत के दौरे पर तब तक तो यहाँ बहुत तेजी से कार चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनका दौरा समाप्त हुआ कार करने की गति बहुत ही धीमी हो गई। देख सकते हैं दोस्तों सीमेंटेड ट्रैक बनाए गए हैं और सीमेंटेड ट्रैक बनाने का फायदा ये है कि अगर ट्रैक पे कोई गंदगी होती है तो उसको आसानी से साफ किया जा सकता है। बकायदा उसके पड़ोस में नाली भी बनी है, देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही प्लेटफॉर्म के ट्रैक सीमेंटेड हैं। दोनों क्या दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 चारों के केवल जो ट्रैक नंबर 2 है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में वही खाली गिट्टी वाला ट्रैक बनाया गया है, पत्थर पड़े हुए हैं, दिखाऊंगा आपको दोस्तों भी। टीन शेड भी दोस्तों पूरी तरह से तैयार है, ये देखिए लगा दिए गए हैं। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी खड़ी है बरेली जाने के लिए, वो भी सीमेंटेड है और जो ट्रैक है मेन लाइन का ये गिट्टी वाला है, बजरी वाला है। ये बरेली की तरफ रूट जा रहा है दोस्तों और ये सीधा मैलानी बाएं टनकपुर और दाएं शाहजहांपुर। देखिए दोस्तों ये फर्श अभी कली बनी है और आगे के फर्श अभी बननी बाकी है। हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इस फर्श का निर्माण आज कर दिया जाएगा और ये टनकपुर जाने के लिए ट्रेन खड़ी है, इंजन भी बंद है। टनकपुर पीलीभीत बरेली लालकुआ कासगंज मथुरा। देखिए दोस्तों ट्रैक अभी निर्माणाधीन है, कैंची बनाई जा रही है। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के जाने के लिए तो 4 प्लेटफॉर्म हो गए, 5 ट्रैक हो गए दोस्तों पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हैं दोस्तों अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 आगे तो पूरा हो गया है बरेली की साइड में और ये इस साइड में जो शाहजहांपुर तरफ है रूट या मैलानी की तरफ या टनकपुर की तरफ ये नहीं अभी पूरा हुआ है,
बहुत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है जब से जीएम साहब का दौरा खत्म हुआ है। तो एक कैची ये भी देखी बनी, ये भी अधूरी है। देखें दोस्तों बिल्कुल गोल जो कैंची बनी हुई है टनकपुर की तरफ उड़ जा रहा है। हालांकि पीछे वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, दोस्तों देखिए ये सीधा बिल्कुल जो गया है ये मैलानी गोला लखीमपुर की तरफ उड़ गया है। उस पर कहीं भी अभी स्लीपर तक नहीं डाले गए हैं, तो अभी कार्य बहुत करना बाकी है इस रूट पे। और ये देखिए ये शाहजहांपुर की तरफ जो रूट जा रहा है बीसलपुर शाहजहांपुर, ये काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। लगभग इस पर 50% कार्य पूरा हो गया बीसलपुर तक, और जबकि मैलानी वाले रूट पर कार्य अभी 10% हुआ है। देखिए इधर से भी ट्रैक अभी बिछाया जाना है, पत्थर डाले जा रहे हैं फिर इसके ऊपर स्लीपर डाले जाएंगे। स्लीपर वगैरह भी आगे पड़े हुए हैं, रेल की पटरी भी पड़ी है, तो माल सब कुछ है ट्रैक बिछाने के लिए, लेकिन मजदूर नहीं है अभी। दोस्तों देख लीजिए ये जो स्टॉप लगा हुआ है बैक एंड, ये ट्रैक बाद में जोड़ दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। देख सकते हैं आगे का ट्रैक जुड़ा है, और ये देखिए नया ट्रैक बिछाया जा रहा है। इधर भी देखिएगा दोस्तों पत्थर पड़े हुए हैं ट्रैक बिछाने के लिए, इस बीच में भी ट्रैक बिछाए जाएंगे जहाँ पर जगह खाली है। और ये देखिए गिट्टी पत्थर डाले जा चुके हैं, बीच में एक खंभा भी हटाया जाएगा ये जो ट्रैक के बीच में है, साथ में वो भी बिजली का खंभा हटाया जाएगा। उधर भी देख लीजिए दोस्तों, तो अभी पीलीभीत से मैलानी और शाहजहांपुर के रूट में बहुत काम होना बाकी है। जैसा कि पिछले महीने 15 फरवरी को जीएम साहब का दौरा हुआ था, उन्होंने भी स्पष्ट संकेत दिए थे जो पीलीभीत से बीसलपुर शाहजहांपुर वाला रूट है वो मार्च तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि हमें नहीं लगता दोस्तों कि मार्च तक बीसलपुर तक कार्य पूरा होना संभव है, इसमें आप इसमें कम से कम 4 या 5 महीने और जोड़ लीजिए, बीसलपुर तक जुलाई अगस्त में ही चलने की संभावना है। और जो शाहजहांपुर तक पूरा ट्रैक है बीसलपुर से शाहजहांपुर पीलीभीत शाहजहांपुर रूट, उस पर भी ट्रेन ये मान के चलिए जीएम साहब का कहना था कि 1.5 साल और लगेगा। और दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि पीलीभीत मैलानी रूट पर जितना समय लग रहा है उसी हिसाब से आप इस रूट पे भी मान के चलिए कि अगला साल पूरा ही लग जाएगा। सन 2020 के आखिर में पीलीभीत शाहजहांपुर रेल ट्रैक चालू हो पाएगा, बीसलपुर तक ये चालू कर सकते हैं क्योंकि मेनका गांधी का क्षेत्र है और पीलीभीत मेरे ख्याल से वहां तक लगता है बीसलपुर तक या उसके आगे भी, तो वहां तक कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों एक बात और भी है, अब जैसे कि टनकपुर वाला रूट है उस लाइन पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है टनकपुर पीलीभीत मार्ग पे, और जो पीलीभीत बीसलपुर शाहजहांपुर है ये आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों इधर देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी ट्रैक बिछाया जाएगा, तो बहुत सा स्पेस है और बहुत सा ही कार्य किया जाना बाकी है। हालांकि जब 15 तारीख को जीएम साहब का दौरा हुआ था तो पीलीभीत मैलानी रूट पर कुछ स्टेशनों के कार्य में तेजी आई है, उन्होंने भी स्पष्ट संकेत दिए थे कि पीलीभीत मैलानी
उसको भी अभी 1.5 साल लगेगा ट्रेन चालू होने में। तो आप उसको दोस्तों पीलीभीत महलानी को 1.5 साल तो नहीं, 2 साल तो आराम से मान के चलिए। अगर इन्होंने 1.5 साल में ट्रेन चला दी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कार करने के मामले में रेलवे काफ़ी पीछे हो गया है। चाहे तो 1 साल में पूरी अच्छी तरह से निपटा सकता है, क्योंकि कोई सर्वे नहीं करना है इनको, कोई रूट उनको अलग से स्पेसिफाई नहीं करना है, रूट पहले से ही बना बनाया है और मजदूर लगा के ये कार्य किए जा सकते हैं। दोस्तों एक बात और भी, पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे ओवरब्रिज बना है। इस ओवरब्रिज में सबसे बड़ी कमी एक ये है कि दिव्यांगों के लिए रास्ता तो बनाया ही नहीं गया है, जैसा कि सीतापुर लखीमपुर हरगांव गोला रेलवे स्टेशनों पे दिव्यांगों के लिए भी रास्ता बनाया गया था। और जैसा कि लोगों ने यहाँ पे मांग भी की है कि यहाँ के ओवरब्रिज में दिव्यांगों के लिए भी रास्ता बनाया जाए, जिससे कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 पे आसानी से जाएं। दोस्तों एक खास बात और भी है, पीलीभीत के रेलवे स्टेशन पे टीन शेड बहुत अच्छी तरह से डाला गया, काफ़ी लंबा टीन शेड है और कई चीज़ों में बदलाव आया है। टाइम डिस्प्ले बोर्ड भी कई जगह लगाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको रात के व्यू में दिखाया था। और बहुत साफ सुथरा पीलीभीत रेलवे स्टेशन बनाया गया है, पत्थर आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ बिल्कुल बीचों बीच में है, वहाँ अच्छी तरह से मार्बल लगाए गए हैं, मतलब पूरे स्टेशन पे पत्थर ही पत्थर लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि फर्श बनाई जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खास तौर से, ऐसा काम तो सीतापुर रेलवे स्टेशन पे भी नहीं हुआ, काफ़ी सफाई है। तो दोस्तों ये था पीलीभीत रेलवे स्टेशन से आज तक का अपडेट। कैसा लगा आप लोगों को आज का अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और जितनी भी मुझे जानकारी इस स्टेशन से संबंधित प्राप्त हुई, नया अपडेट प्राप्त हुआ, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर पीलीभीत के रूट पर हमारी नज़र बनेगी रहेगी, पीलीभीत मैलानी, पीलीभीत शाहजहाँपुर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अलविदा।